मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमें सभी को यही उम्मीद है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट फीस पर उपलब्ध होंगी। इसी का हमें बेसब्री से इंतजार है। अभी इसी के रिगार्डिंग एनएमसी की एक आरटीआई का रिप्लाई भी वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये कितना संभव है, क्या ये इसी साल से लागू हो जाएगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये चर्चा भी करेंगे कि अगर ये लागू हो जाता है इसी साल तो नीट 22 की इन सीट्स के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, और स्टेट कोटा की लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ऑल इंडिया कोटा की लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर ये रूल लागू होता है तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लागू होगा। आप सबको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग करवाई जाती है वो काउंसलिंग ऑल इंडिया द्वारा करवाई जाती है, और सभी प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट्स द्वारा करवाई जाती है। डीम्ड कॉलेजेस बहुत ही अच्छी कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज को छोड़ के बहुत ही अच्छी कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो उसमें फीस ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन अगर ये 50% वाला रूल लागू हो जाता है तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे केएमसी मणिपाल हो गया, आईएम भुवनेश्वर हो गया, इसके बाद में बीवीडी हो गया, तो इस प्रकार की काफी सारी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। अब मैं आपको यहां एक बता देता हूं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में है, अभी तक प्राइवेट 291 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में 44,115 सीट्स प्राइवेट सीट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी अवेलेबल है अभी तक 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 8,787 सीट्स एमबीबीएस की अवेलेबल है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अगर ये लागू हो जाता है ये रूल, तो इनकी 50% सीटें यानी कि 22,000 सीट्स गवर्नमेंट फीस पर हो जाएंगी, जो हर एक स्टेट की अपने अपने होंगी, क्योंकि इसमें बाद में स्टेट वाइज एडमिशन होगा। तो ये जो प्राइवेट सीटें होंगी ये स्टेट के अंडर ही होंगी, स्टेट के कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं वो अभी भी 100% है और ऑल इंडिया कोटा के लिए है, तो हो सकता है ये बाद में भी ऑल इंडिया कोटा के लिए रखी जाए। और जब इनके 50% सीटें आएंगी इसमें, तो हम यहां मान रहे हैं 4,500 सीट्स इसमें गवर्नमेंट सीट फीस पर आ जाएंगी, इतनी सारी सीटें। अभी अगर ये इतनी सारी सीटें इस पे आ जाती हैं तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज जान लें, जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आरटीआई का रिप्लाई 18 जुलाई को आया है। इससे पहले भी जब पीजी की एग्जाम हो गई थी उस समय भी एक आरटीआई फाइल की गई थी, एनएमसी से इसी पॉइंट पर रिप्लाई मांगा था, तो भी एनएमसी ने यही रिप्लाई दिया था पीजी की एग्जाम के जस्ट बाद में। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे आप आरटीआई लेते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो जो उनके पास रिटर्न में रूल होते हैं उसी रूल को कोट करके जो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसी रूल के तहत कोट करके रिप्लाई देता है आपको। कब लागू होंगी, क्या लागू होगा, ये वो उससे कोई मतलब नहीं है। उनके पास में फरवरी का एक नोटिस जो एनएमसी की वेबसाइट पर भी डाला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, उसी को कोट करके ये रिप्लाई देते हैं। बाद में भी हम अगर पूछते हैं तो रिप्लाई यही मिलेगा, पहले भी पूछा था तो ये रिप्लाई यही मिला था। तो ये तो है आरटीआई के उस लेटर की हकीकत, क्योंकि एनएमसी ने तो रिप्लाई वही देना है जो उनके पास में, जो पीआईओ है उसके पास में अवेलेबल है रिटर्न में, उसी का रिप्लाई देना है। अभी ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यू आपको ये बताता हूं। पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि ये थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। असंभव सा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो काफी ज्यादा हाई है, और उस फीस पर अगर प्राइवेट कॉलेज
50% गवर्नमेंट की सीट कर दें और 50% उसी फीस पर रखें तो प्राइवेट कॉलेज चला पाना मुश्किल है। इस बात को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो फुल 100% सीट जिस एक्सपेंस पे चल रही हैं, अगर उनका 50% कर दिया जाए तो वो चला पाना मुश्किल है, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट फीस पर 50% कर दिया जाए और बाकी 50% की डबल कर दी जाए, बाकी 50% प्राइवेट सीट की फीस डबल कर दी जाए, तो वो सीट वैकेंट रहेंगी। पहले जो फुल 100% सीट पर फीस पर सीटें वैकेंट रहती हैं, तो 50% सीट पर तो रहनी है, वो उसकी डबल करने पर उन सीट पर एडमिशन लेने वाला कोई स्टूडेंट होगा नहीं। ये जिम्मा स्टेट का होता है, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इंस्ट्रक्ट करे कि आप ये 50% सीट गवर्नमेंट को दे दो, 50% सीट की अपनी खुद फीस तय करो। तो वो फीस इतनी तय कर देंगे तो उस पर कोई एडमिशन लेने वाला नहीं होगा। तो ये लागू कैसे होगा, अभी ये तो इस बात का भी सस्पेंस ही है कैसे लागू होगा। अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती भी करती है कॉलेजेस से तो कॉलेजेस कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये काफी सारे मतलब है, अभी इसमें जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि 2019 से ये रूल लागू था, 2019 में एनएमसी बिल बन गया था, तब से अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तब से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि पीएमओ से भी इस प्रकार का नोटिस आया था कि ये इसी साल से लागू होगा, लेकिन स्टेट्स को इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर इसमें कोई ऐसा सराहनीय कदम जो आगे लेना था, मेरे को लग रहा है कि ऐसा अभी तक इसमें कोई स्टेप हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो स्टेट अथॉरिटी अपना एक फीस फिक्सेशन कमेटी इस पर एक मीटिंग बैठाती, इस पर ये डिक्लेयर होता कि ये फीस कितनी हो सकती है। अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग, अभी एक महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा और ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो इतने दिनों में ये सब कुछ संभव मेरे को तो लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी ये संभव हो जाएगा। लेकिन थोड़े से पॉजिटिव ऐसे इस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, जैसे पीएमओ ने भी इसमें घोषणा की थी, बाकी एनएमसी ने भी कुछ ये नोटिस डाला था, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, इसके बारे में हो भी सकता है। अगर हो जाता है तो ये कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पर, क्योंकि सीटें काफी हैं, काफी सारी 22,000 सीट्स बढ़ जाएंगी इसमें गवर्नमेंट के लिए, तो फीस कम हो जाएगी, कट ऑफ काफी डाउन आएगी। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने उसमें सब कुछ समझा दिया है, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड डिटेल्स, टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेजेस, ये सारी मैंने बता दी है। इसको आप हमारी वेबसाइट chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ के लिए इनकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो अलग अलग होगी। डिम्ड के लिए जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो ऑल इंडिया होगी, पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि अगर 50% सीटें स्टेट को ही दे दी जाए गवर्नमेंट के लिए, तो फिर 50% सीटों पर ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगा, एमसीसी काउंसलिंग करवाएगा। तो हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि डिम्ड की 100% सीट पर एमसीसी द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, उनकी 50% गवर्नमेंट की सीटें होंगी और 50% प्राइवेट सीट होंगी, ये हम मान के अभी चल रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन में इनकी कट ऑफ देखें, हम डिम्ड की कट ऑफ देखें, तो डिम्ड में हमारे पास में टोटल 8787 सीट्स हैं, यानी कि 8787 सीट्स हैं। इनमें से अगर 50% सीट्स आ जाती हैं तो ये हम मान के यहां चल रहे हैं कि 4,500 के नियर बाई ये सीट गवर्नमेंट फीस पर होंगी। अब जब इतनी गवर्नमेंट फीस पर सीट है, आपके पास में 4,500 सीट्स ऑल इंडिया में गवर्नमेंट फीस पर हैं, तो इसका हम डबल लेते हैं, क्योंकि इस रिंग पर हम डबल का ही एवरेज लगाते हैं कि इसमें कम से कम 9,000 रैंक तक एक्स्ट्रा जाना चाहिए। अगर हम मान के चल रहे हैं कि ऑल इंडिया का 20,000 रैंक तक कट ऑफ जाएगा या 21 तक जाएगा, तो ये इसमें हम 4,500 का डबल करके 9,000 रैंक और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी कि
30,000 या 32,000 या 35,000 पर भी सिलेक्शन हो सकता है ऑल इंडिया में। तो अगर इनमें सिलेक्शन होता है तो हम यहां मान के चलते हैं कि अगर ये रूल लागू होता है तो ऑल इंडिया की कट ऑफ 570 तक जा सकती है। अब इसमें रीजन है, डाउन तो ये 570 से भी नीचे जाए, लेकिन कारण है इसमें, कारण ये है कि ऑल इंडिया के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, स्टूडेंट अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, जैसे केएमसी मणिपाल, डीआरडीवाई पाटिल। तो इस प्रकार की कुछ सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो स्टूडेंट अपने स्टेट के गवर्नमेंट छोड़ के उनपे एडमिशन लेंगे, स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के इन डीम्ड में एडमिशन लेंगे। तो ये इसलिए इसकी कट ऑफ है वो 570 जाएगी, लेकिन स्टेट की कट ऑफ डाउन जाएगी। स्टेट की कट ऑफ जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट से, मैं यहां पर उनको बताता हूं, वो जो स्टेट से कट ऑफ हाई स्टेट वाले, राजस्थान, केरला, यूपी, हरियाणा, बिहार, ये स्टेट से, ये हाई कट ऑफ वाले स्टेट से इनकी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 560 मार्क्स। अगर ये रूल लागू हो जाता है तो इन स्टेट्स की कट ऑफ 560 मार्क्स जा सकती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 500 पर भी चली जाएगी। वो स्टेट्स हैं कर्नाटका, त्रिपुरा, इसके बाद में आप देखो इसमें हिमाचल, तेलंगाना, मिजोरम, ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ ये प्राइवेट कॉलेजेज का ये रूल लागू होने के बाद में 520 तक आ सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अब हम ओरिजिनल कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कम से कम उसमें 30 मार्क्स डाउन आएगी ये कट ऑफ, ये कट ऑफ 30 से 35 मार्क्स डाउन आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक का यही प्रेडिक्शन है। ये मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की सीट के अकॉर्डिंग, डीम्ड के अकॉर्डिंग, कौन सी डीम्ड को बच्चे गवर्नमेंट छोड़ के डीम्ड लेना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में ये सारा कैलकुलेशन निकाल के ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। अगर ये रूल लागू नहीं होता है तो इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है। इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कट ऑफ इस बार लो जाएगी। तो ये जानकारी थी एनएमसी बिल के बारे में। बाकी जानकारी के लिए हम नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।